आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले से दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं, जहां देर रात अचानक हुई मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि ने ऐतिहासिक मंदिर में ऐसा कहर बरपाया कि सब कुछ बिखर गया। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं करीब 70 लोगों के घायल होने की खबर है। कुदरत के कहर की ये तस्वीरें हैं आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के ऐतिहासिक कोडंडरमा मंदिर की, जहां रामनवमी का उत्सव मनाया जा रहा था। शुक्रवार को मंदिर में भगवान राम और सीता के विवाह का कार्यक्रम था, जिसके लिए पूरे मंदिर को सजाया गया था। रंग बिरंगी लाइटों से पूरा मंदिर जगमगा रहा था, फूलों से पूरा प्रांगण महक रहा था। कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए हजारों लोग मंदिर पहुंचे थे, क्योंकि कार्यक्रम में राज्य सरकार का भी हाथ होता है, इसलिए सीएम चंद्रबाबू नायडू समेत कई मंत्री भी वहां पहुंचने वाले थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी शाम करीब 6:30 बजे तेज आंधी चलने लगी। उसके बाद हुई मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि ने ऐसा कहर बरपाया कि सब तहस नहस हो गया। तेज बारिश की वजह से पंडाल अचानक गिर गया, जिसके बाद वहां भगदड़ जैसे हालात हो गए। इसी दौरान 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 लोगों के घायल होने की खबर है। घटना के बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर दुख जताया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।